शेख, मैं पूछना चाह रहा था, हम लोगों का मेहर तय हुआ था शादी के वक्त, तो हमारे यहाँ के सिस्टम है कुछ बाकी और कुछ नगद होता है, तो नगद दे दिया गया था, मगर बाकी जो जितना है एक्चुअल में याद नहीं है कितना है, अब खंगालना पड़ेगा, कहीं ढूंढना पड़ेगा, तो मिल नहीं रहा है। तो तो क्या करें? मेरी वाइफ जो है ये कह रही है कि मुझे 50,000 रुपया मुझे दे दीजिएगा तो समझिए मेहर अदा हो जाएगा। तो मैंने कहा, मैं कह रहे थे उनका जो मकान लिया हूं मैं, करीब जी उसका 30 लाख वेल्यू का, दोनों दोनों का नाम है उसमें मकान में, करीब 30 लाख रुपए वेल्यू है, तो जी मिला जुला के कि बराबर ही है, मतलब 15 लाख का आपका मेहर हो गया, तो समझिए कि हमने आपको मेहर दे दिया, मैंने ये कह रहा हूं उससे, मगर 50,000 रुपया अलग से वो डिमांड कर रही है। जी तो ये अगर मैं कहता हूं कि आपको मैंने मकान बदले में दे दिया, तो इससे मेहर आदा होगा क्या? आपके सवाल से जी वाजह है कि मेहर का कुछ हिस्सा आपने दे दिया था, कुछ बाकी रखा हुआ था, और जो बाकी रखा था आप उसको भूल चुके हैं कि वो कितना बाकी था। जी तो अब ऐसी सूरत में क्या करना है? जाहिर है मियां बीवी के दरमियान ये मामला आपस में तफाहम और अंडरस्टैंडिंग से ही हल होगा। अगर आपकी बीवी कह रही है कि मुझे 50,000 दे दीजिए, मैं उस पर राजी हूं, और आप भी उस पर एग्री करते हैं, तो 50,000 दे करके आप मेहर की आपके मेहर की अदायगी हो जाएगी। लेकिन जी सवाल ये है, आप कह रहे हैं कि मैंने अपने बीवी के नाम से घर कर रखा है, तो जब आपने वो घर किया था तो उस वक्त जाहिर है आपने उसको गिफ्ट करने की नीयत से ही उसके नाम किया होगा। अगर आपकी नीयत यह थी जी कि यह घर मैंने अपनी बीवी को दे दिया, जिस टाइम भी दिया होगा आपने, तो जब आपने उसको दूसरे मद में दिया हुआ है तो अब उसको मेहर थोड़ी बना सकते हैं भाई। जी उसको तो आपने अलग से दिया हुआ, पहले दे दिया, तो जब आपने दे दिया तो बीवी का हो गया वो घर। अब जी ये जो मेहर का मसला आया है आपका, आप दोनों कह रहे हैं कि इसको कैसे अदा किया जाए। आप कह रहे हो कि मैं वो जो गिफ्ट किया था उसी को मेहर मान लो, तो ऐसे थोड़ी जी होता है। वो जो गिफ्ट आपने किया था वो तो बीवी का हो गया, तो जी अब जो है आपको मेहर की अदायगी करनी होगी अलग से, अगर आपकी बीवी का मुतालबा है तो। और अगर आपकी जी बीवी राजी हो जा रही है कि नहीं अब मुझे अलग से कुछ नहीं चाहिए, तो मामला जो है खत्म है। असल में गिफ्ट नहीं किया है शेख, मैं खाली बता देता हूँ इस तरह से कि जी हमारे यहाँ हिंदुस्तानी माहौल में होता ये है ना शेख, कि जब आदमी घर खरीदता है तो या तो अपने अपने नाम पर ले लेता है, या बच्चों के नाम में से किसी पर ले लेता है, या बीवी और शोहर आपस में एक दूसरे के नाम पर रखती है, लेकिन वो रहती शोहर ही की प्रॉपर्टी है। तो उबैद रहमान भाई का ये कहना है कि उन्होंने जो घर लिया है वो कंबाइन है, दोनों के नाम पर है, वो दोनों के नाम पर रजिस्ट्री जी है, और तकरीबन घर वो 38 लाख के आसपास का है समझिए। तो उन्होंने कहा कि कम से कम उसकी वैल्यू घर की 30 लाख भी अगर हम पकड़ ले, तो मैं बीवी को ये बोल रहा हूँ कि वो जो घर है हमारे नाम पर, तो आधा मैंने तेरे नाम पे कर दिया, यानी 15 लाख रुपए मैं तुझे दे दे रहा हूँ उस घर के। तो ये इनकी जी जी सिचुएशन है, तो हाँ पूछ रहे हैं कि ये करना जायज है, शायद उबैद रहमान भाई यही बिल्कुल सवाल है ना आपका। जी, जी वाजह ये सवाल यही है। देखिए, जी जी ये बिल्कुल जो बिल्कुल प्रॉपर्टी में जो प्रॉपर्टी बीवी के नाम करते हैं या कंबाइन उसका नाम भी लिखवाते हैं, साथ में शरीक करते हैं, ये बात वही लोग बता पाएंगे कि वो ऐसा क्यों करते हैं। अगर वो इस नियत से कर रहे हैं कि ये बीवी का है, तब तो बीवी का हो गया वो। और अगर जी वो किसी और वजह से करते हैं, कभी ऐसा होता है कि किसी से उनको बचाना है अपनी प्रॉपर्टी को, इसलिए बीवी के नाम लिखवा दो, तो वो बच जाएगी। उनका मकसद बीवी को देना नहीं है, और ये बात बीवी भी जानती है, वो भी जानते हैं, तो ऐसी सूरत में तो प्रॉपर्टी उनकी ही रहेगी। लेकिन अगर उनकी नीयत देने की है तब तो बीवी की हो जाएगी। अब ये जी उबैदुर्रहमान साहब फैसला कर पाएंगे कि क्या उन्होंने जब नाम लिखवाया था तो बीवी को दे दिया था, या उनका मकसद सिर्फ जो है उनका कोई और मकसद था, सिर्फ उसका नाम लिखवा दिया जी था, देना मकसूद नहीं था। तो अगर उस जी वक्त उन्होंने दे उबैद दिया था, अगर उन्होंने दे दिया था उसी टाइम, तब तो वो मामला अलग हो गया, अब नया मामला है। जी और अगर उस वक्त उन्होंने दिया नहीं था और अब उसी 15 लाख में से 50,000 मेहर का कटवाना चाहते हैं, और फिर जो है 14.5 लाख जो है वो भी दे रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है।